वहीं डुमरी उपचुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सत्ताधारी दल पर तंज कसते हुए कहा कि डुमरी की जनता ने कुशल सरकार को वोट के माध्यम से अपना जवाब दे दिया है और क्षेत्र की जनता ने बिना किसी लोभ लालच में आकर जी खोलकर एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। पर डुमरी की जनता ने वोट का जवाब देने का काम आज के दिन में किया है। मैं पुनः उस क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इंडिया के पक्ष में जो गरीब महिला एक विधवा महिला जो प्रत्याशी के रूप में उतरी थी, जसोदा देवी जी उतरी थी, उनके पक्ष में बयान चली थी और भारी मतों से डुमरी चुनाव में उनके पक्ष में लोगों ने मतदान किया है और जन बल के सामने धन बल कमजोर होता हुआ दिखाई डुमरी में पड़ा। आज की बात बता रहा हूं, एक मुकेश पांडे शासकों मंडल है वो वोट करा रहे थे, अब वहां का फॉरेस्टर उनको जाता है उठा करके ले चला जाता है। मुझे दूरभाष से सूचना मिलती है, मैं तुरंत रेंज ऑफिसर डीपो से बात करता हूं कि कौन सा वो क्राइम कर रहा था, आज के दिन में क्या काम कर रहा था, किसको मार रहा था, क्या वोट प्रोवाइड कर रहा था, वोट कैप्चर कर रहा था। जो उस गुमला में मंगलवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से एसडीओ सदर विधानसभा क्षेत्र, जिला भू अर्जन पदाधिकारी से ईआरओ विधानसभा क्षेत्र और विधान निर्वाचन विभाग के कर्मी मौजूद रहे। वहीं ऑनलाइन माध्यम से सभी प्रखंड स्तरीय ईएआरओ ने भी बैठक में भाग लिया। इस दौरान उपायुक्त ने इलेक्शन कमीशन से प्राप्त सभी मुख्य बिंदुओं की प्रखंडवार समीक्षा की और प्रखंड स्तर पर इलेक्शन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की भी समीक्षा की। मांडू के कुजू के ओरला में सुबह 10 बजे से जमीन को लेकर सड़क जाम कर धरने पर बैठे लोग कुजू ओपी प्रभारी के समझाने के बाद शांत हुए, जिसके बाद बड़ी गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो धरने से नहीं हटेंगे। और ये ज़मीन का हक हम लोग को लेना है, इसलिए आज हम अपने भाई के सपोर्ट में खड़े हैं। और ये हमारा पूर्वजों का ज़मीन है, जो जो सीसीएल ले चुका है उसका हम कोई अथी नहीं हुआ है, और जो बचा कुचा मेरा ज़मीन है उसका हमको मुआवजा दे या हमारे ज़मीन को दे, कुछ तो निर्णय ले सरकार। अभी तक इसके निर्णय में कोई सरकार का कोई हल नहीं है। परमेश्वर गोप मेरा भाई है और मेरे स्वर्गीय दादाजी भोला गोप जो हैं उनका खतियानी ज़मीन है। खतियानी ज़मीन में मेरा 70 डिसमिल है, 59 डिसमिल सरकार ले ली, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बचा खुचा है मेरा 11 डिसमिल, उसका हमको ज़मीन का बदला ज़मीन चाहिए। और जब तक नहीं मिलेगा हम सरकार से मांगते रहेंगे, और मेरा मांग को अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो हम इसी रोड में धरना देके बैठे रहेंगे। अभी तक देखिए कोई भी आश्वासन नहीं मिला, अभी तक सिर्फ सुबह का आश्वासन मिला था कि सीओ साहब आ रहे हैं, एसडीओ साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है हमारे यहाँ। और देखिए क्या होता है, अभी तक तो छोटे गाड़ी को जाने के लिए परमिशन दे दिए हैं लेकिन बड़ों गाड़ी का रोक के रखे हैं। अब यही उम्मीद करते हैं कि कोई अधिकारी हम आए और ऑन द स्पॉट बात करे, हमारी समस्या का समाधान करे, बस यही। कोयलांचल के व्यवसायियों के लिए खौफ का पर्याय बन चुके गैंगस्टर प्रिंस खान के नेक्सस को ध्वस्त करने में धनबाद पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। पिछले दिनों बैंक मोड़ इलाके में रंगदारी के लिए दो अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधी में 2 क्राइम के लिए मोटिवेट करने वाले लोग भी शामिल हैं। पकड़ा गया अपराधी सलूजा मोटर्स और घराना में फायरिंग मामले में शामिल रहा है। 2 अपराधियों पर पहले से ही गंभीर मामले चल रहे हैं, उनमें से एक नन्हे खान हत्याकांड में वांछित है। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि प्रिंस के लिए काम करने वाले 5 अपराधियों की गिरफ्तारी से फायरिंग समेत अन्य अपराध की घटनाओं में कमी आएगी और वो दिन अब दूर नहीं जब उसका नेक्सस पूरी तरह से ध्वस्त होगा। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, बाइक और मोबाइल जब्त किए गए हैं।
पिछले महीने बैंक मोड़ क्षेत्र में दो फायरिंग की घटना घटी थी, जो विशेषकर ये घटना जो थी वो जिसमें बाद में ये प्रकाश में आया था कि ये घटना एक्सट्रॉशन को लेकर के किया गया है, खासकर इसमें प्रिंस खान गैंग के कुछ सदस्यों के द्वारा यह किया गया है। जब इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो इसमें हमारे डीएसपी और जो लोकल इंस्पेक्टर्स थे और जो पूरी टीम जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर लगाई हुई है उसको इस पर लगाया था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने दोनों कांड का उद्भेदन कर लिया है और विशेषकर जो इस कांड में शामिल अपराधकर्मी थे जिन्होंने जो फायरिंग को अंजाम दिया है उसकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। कुल 5 अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मोहम्मद आजाद आलम, विकास कुमार महतो, जुगनू अंसारी, गोलू कुमार रवानी और शिवम कुमार प्रसाद, इन 5 अपराधकर्मियों को हम लोगों ने पकड़ा है। आजाद आलम पूर्व में भी नन्हे हत्याकांड में जेल में गया था और जो पहला घटना जो सलूजा मोटर्स के आसपास जो गोली चली थी उसमें ये खुद इसने गोली चलाई थी और इसके साथ जुगनू अंसारी नाम का एक व्यक्ति था, वो लड़का था, वो भी पूर्व में वो शामिल किसी घटना में नहीं रहा है। इसी प्रकार जो दूसरी घटना थी जो घराना ज्वेलर्स में हुआ था उसमें विकास कुमार सिंह उर्फ विकास कुमार महतो इसके द्वारा उस फायरिंग को अंजाम दिया गया था। फिर इसमें गोलू रवानी और शिवा प्रसाद के द्वारा हथियार सप्लाई किया गया था। पिछले महीने बैंक मोड़ क्षेत्र में दो फायरिंग की घटना। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय स्थित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय +2 उच्च विद्यालय में काफी हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। शिक्षकों ने भी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि सभी छात्राओं को डॉक्टर सर्वपल्ली के जैसा होने की जरूरत है। सम्मान के लिए शिक्षक दिवस का आयोजन पूरे भारत में की जा रही है। हमारा विद्यालय के बच्चे ने भी इस आयोजन का यह कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसमें विद्यालय के सभी बच्चे बड़े उत्साहित और हर्षोल्लास के साथ आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं। मैं सभी बच्चों को उनके प्रयास के लिए बधाई देता हूँ और शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ कि इसमें मेहनत किए हैं, उन्होंने स्कूल को सजाया है। आज एक शिक्षक के रूप में यहाँ बैठे होकर सम्मान पा, ये गर्व की बात है। पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व की बात है और पूरे शिक्षक समाज के लिए गर्व की बात है। झरिया के बोरागढ़ ओपी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। बोरागढ़ ओपी प्रभारी मनीष सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले बोरागढ़ ओपी क्षेत्र से एक बाइक की चोरी हुई थी। बाइक के मालिक मुन्ना सिंह ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल के दौरान 4 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें मोनू कुमार सिंह, पवन कुमार सिंह, मनीष यादव, छोटू उर्फ टेनू को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पर चोरी की गई बाइक को बरामद कर लिया गया। वहीं इन लोगों से बाइक की खरीदारी करने वाले एक और युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। सत्ताईस तारीख की रात्रि को एक बाइक बोरागढ़ एरिया से चोरी हुई थी, जिसका वादी थे मुन्ना सिंह। उन्होंने आकर के थाना में कंप्लेन किया कि सर कुछ लड़के हैं जो मेरा बाइक चोरी कर लिया, हमको संदेह है। तो उसी संदेह के आधार पर हम लोग जांच शुरू की है। उसके आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें है एक मोनू कुमार सैनी, पवन कुमार सिंह है, मनीष यादव, छोटू टेनी, 4 को गिरफ्तार करके। सभी को कहाँ कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? मनु कुमार सैनी और पवन सिंह को बोरागढ़ से गिरफ्तार किया गया है, सुंदर कॉलोनी से, और मनीष यादव और छोटू यादव टेनी
जो कि बाइक खरीद करके और फिर दोबारा बेचने आ रहे थे जो केंद्रवाड़ी से। कुल कितने इसमें अभियुक्त है सर, और कितने को गिरफ्तार कर लिया गया? 5 अभियुक्त है, 1 बचा हुआ। जी सर, और बाइक को कितने में खरीदे, कितने में बेचा गया सर? बाइक को इन लोग 5,000 में खरीदा था, जिसमें 3,500 रुपये उसको दे दिया था। 27 तारीख की रात्रि को